जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी JNU के छात्रों की मांग प्रशासन ने मान ली। दिलचस्प बात यह रही कि फीस बढ़ाए जाने के खिलाफ छात्रों ने एकजुट होकर प्रदर्शन किया। छात्रों के इस प्रदर्शन को लेफ्ट विंग और राइट विंग दोनों छात्र संगठनों ने ऊपर समर्थन दिया। माना जा रहा है कि सरकार के अपने फैसले को आंशिक रूप से वापस लेने की यह सबसे बड़ी वजह है। हालांकि JNU टीचर्स एसोसिएशन ने भी कुछ मुद्दों को लेकर अपनी नाराजगी जताई है। पेश है एक रिपोर्ट। हॉस्टल फीस में इजाफे के खिलाफ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी JNU के छात्रों के विरोध प्रदर्शनों के बाद आखिरकार प्रशासन ने इस फैसले को आंशिक रूप से वापस ले लिया है। शिक्षा सचिव आर सुब्रमण्यम ने बुधवार को ट्वीट कर बताया कि एग्जीक्यूटिव कमेटी ने हॉस्टल फीस में इजाफे और दूसरे नियमों से जुड़े फैसले को वापस ले लिया है। उन्होंने स्टूडेंट्स से अपील की कि प्रदर्शन खत्म कर वापस क्लास का रुख करें। शिक्षा सचिव ने बताया कि एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के छात्रों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने से संबंधित योजना का प्रस्ताव भी पेश किया गया। छात्रों के प्रदर्शनों से बाधा की आशंका को देखते हुए यूनिवर्सिटी प्रशासन ने एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बैठक परिसर से बाहर बुलाई थी। एग्जीक्यूटिव काउंसिल JNU की सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग इकाई है। उधर JNU के टीचर्स एसोसिएशन यानी JNUTA का आरोप है कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग की जगह बदलने की जानकारी उन्हें नहीं दी गई, जो कि ITO के पास एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज में आयोजित की गई थी। JNUTA अध्यक्ष ने कहा कि उनके कई मुद्दे हैं। हॉस्टल मैनुअल के अलावा शिक्षकों की पदोन्नति भी इन मुद्दों में शामिल है, इसलिए उनकी बात भी उठनी चाहिए। पिछले 3-4 सालों से यहां तक की एकेडमिक काउंसिल मीटिंग या तो टाल दी जाती है या फिर दूसरी जगह पर की जा रही है। वो इसकी निंदा करते हैं और वाइस चांसलर को इस तरह से यूनिवर्सिटी नहीं चलानी चाहिए। गौरतलब है कि छात्रों ने AICTA बिल्डिंग के बाहर प्रदर्शन किया था, जहां JNU का दीक्षांत समारोह चल रहा था। उनके प्रदर्शन के कारण मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक 6 घंटे अंदर ही फंसे रह गए। छात्र हॉस्टल मैनुअल के ड्राफ्ट को वापस लेने की मांग कर रहे थे। छात्रों के मुताबिक उनके हॉस्टल रूम का किराया कई गुना बढ़ा दिया गया था। इसके अलावा विजिटर्स के लिए रात 10:30 बजे के बाद हॉस्टल से निकलने का प्रावधान था। वहीं लड़कों के कमरे में किसी लड़की या फिर लड़की के कमरे में किसी लड़के के एंट्री पर रोक लगा दी गई थी। हॉस्टल के नियमों का पालन न करने पर 10,000 रुपए के फाइन का भी प्रस्ताव शामिल था। खास बात यह रही कि हॉस्टल फीस के खिलाफ हो रहे छात्रों के प्रदर्शन को लेफ्ट के अलावा राइट विंग की छात्र इकाई का भी समर्थन पूरी तरह हासिल था। RSS की छात्र इकाई ABVP भी छात्रों के समर्थन में खड़ी नजर आई। इतना ही नहीं, इसके कार्यकर्ता UGC बिल्डिंग के बाहर प्रदर्शन करते भी नजर आए। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि छात्रों की इसी यूनिटी का नतीजा था कि सरकार को छात्रों की मांग के आगे झुकना पड़ा और उनकी मांग को आंशिक रूप से मान लिया गया। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब